उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर नगर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में ई बसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इनमें से 34 बसें लखनऊ के 4 रूटों पर दौड़ेंगी। वहीं प्रदेश सरकार की सुविधा से करीब 15,000 से अधिक यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं कुल 8 बसें कानपुर में संचालित होंगी। इन बसों के संचालन से लोगों को वायु और ध्वनि प्रदूषण से राहत मिलेगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के 2 बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर में लोगों को 42 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी गई है। इस मौके पर उन्होंने दोनों नगर निकायों की जनता को बधाई दी। सीएम ने कहा कि ये बसें वायु और ध्वनि प्रदूषण मुक्त हैं, सभी लोग इसका लाभ लें। जानकारी के अनुसार इन नई बसों में यात्री सफर कर सकेंगे। बता दें कि पहले इन बसों को वराजखंड बस स्टैंड से पीजीआई वाया अहिमा मऊ लूलू मॉल तेलीबाग रूट पर चलाया जाना था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसकी जगह नई बसों को लखनऊ से नेमिस के रूट से जोड़ा गया है। पहले राजधानी के 22 मार्गों पर करीब 105 ई बसें चल रही थीं। इनमें रोजाना 35,000 से 40,000 यात्री सफर कर रहे हैं। इन सभी बसों के शुरू होने से लखनऊ और कानपुर निवासियों को आवागमन में आसानी होगी। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।